यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रोहतक में न्यायिक परिसर में वकीलों के नए चैंबर के निर्माण को लेकर के करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है और पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा की जांच के बाद पुलिस ने बार के मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज कर लिया गया है इनके ऊपर। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के महासचिव पुनित पुनिया ने आर्थिक अपराध जांच शाखा में शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2014 में जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक परिषद में वकीलों के नए चैंबर बनाने का प्रस्ताव पास किया था। उस वक्त भी बार के मौजूदा प्रधान लोकेंद्र सिंह फोगाट की रोहतक के बार अध्यक्ष थे और इस प्रस्ताव के मुताबिक बार परिसर में वकीलों के लिए 275 चैंबर बनाने की योजना बनाई गई थी, जिस पर 9,52,50,000 रुपए की राशि वकीलों से इकट्ठा करके ये चैंबर बनाए जाने थे। पुनित पुनिया का आरोप है कि क्लर्क जोगिंदर कुंडू, संदीप कुमार सोमवीर, पूर्व प्रधान दीपक कुंडू, बार लोकेंद्र फोगाट और सचिव सुमित ने मिलकर के करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की है। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो टोटल मिला के 9,40,00,000 रुपया इकट्ठा हुआ चैंबर्स अकाउंट का। अब चैंबर्स अकाउंट का 9,40,00,000 रुपया, तो उसमें से जब हमने अपना मैंने अपना जब अपने वो चेक किए बैंक अकाउंट्स वगैरह, तो उसमें मुझे 4.5 करोड़ के आसपास ही जमा हुआ मिला और अनदर पैसा को अकाउंट में जमा ही नहीं हो रखा। ये एक अपनी हाउस की मीटिंग बुलाएंगे और हाउस की मीटिंग में फैसला किया जाएगा।